नमस्कार विद्यार्थियों, DRR बायोलॉजी क्लास में आपका एक बार पुनः स्वागत है। तो जेनेटिक्स के पिछले वीडियो में हमने मेंडल के एक्सपेरिमेंट तथा मेंडल के प्रमुख नियमों का अध्ययन किया, साथ ही साथ अपने मेंडल के नियमों के महत्व पर चर्चा की। तो इसके बाद आज का जो अपना वीडियो है वो मेंडलवाद के विचलन पर आधारित है, अर्थात कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट है, कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जिसके दौरान जो निष्कर्ष प्राप्त होते हैं वो मेंडल के नियमानुसार प्राप्त नहीं होते, उन्हें मेंडलवाद के विचलन के नाम से जानते हैं। अर्थात वे क्रियाएं जो मेंडल के नियमों का पालन नहीं करती वो मेंडलवाद के विचलन या अपवाद के अंतर्गत आती है। तो देखिए कौन कौन सी ऐसी क्रियाएं हैं जो मेंडलवाद का पालन नहीं करती या मेंडल के नियमों का पालन जिसके अंतर्गत नहीं किया जाता। तो देखिए सबसे पहले अपने बात करें इनकम्प्लीट डोमिनेंस, अर्थात अपूर्ण प्रभाविता। इस दौरान मेंडल के नियमों का पालन नहीं किया जाता। फिर बात करें अपने कोडोमिनेंस, अर्थात सहप्रभाविता। इसके अंतर्गत मेंडल के नियमों का पालन नहीं किया जाता। फिर बात करें अपने लिंकेज, अर्थात सहलग्नता। इस क्रिया के दौरान मेंडल के नियमों का पालन नहीं होता। तो ये तीनों घटनाएं मेंडल के नियमों का पालन मुख्य रूप से नहीं करती। इसके साथ साथ अपने जो बहुजिनी वसागति और बहुयुग्म विकल्पी घटनाएं, साथ ही साथ लेथल जीन, जिन्हें घातक जीन के नाम से भी जानते हैं, लेथल जीन या घातक जीन और बहुप्रभाविता, जिसे हम पेलियोट्रोपी के नाम से भी जानते हैं। इन घटनाओं के दौरान, इन क्रियाओं के दौरान भी मेंडल के नियमों का पालन नहीं होता। तो अपने बारी बारी से इन सभी विचलनों का अध्ययन करेंगे। तो कंपटीशन के लिहाज से ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारे क्वेश्चंस इन टॉपिक से उठते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही से उठ जाता है कि मेंडल के नियमों का कौन सा अपवाद है या किस क्रिया के दौरान मेंडल के नियमों का पालन नहीं होता। तो चलिए शुरू करते हैं अपने डेविएशन ऑफ मेंडलिज्म। तो देखिए विद्यार्थियों, अपने मेंडलवाद के विचलन के अंतर्गत सबसे पहला विचलन पढ़ रहे हैं अपूर्ण प्रभाविता या इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो सबसे पहले तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस किस पादप में पाई जाती है? तो ये मिराबिलिस से जलापा के अंदर पाई जाती है, जिसे हम गुलाब्बास के नाम से भी जानते हैं, जिसे हमें गुल अब्बास के नाम से भी जानते हैं, और इसे हम फोर ओक्लोक के नाम से भी जानते हैं। तो इसके नाम बड़े इंपॉर्टेंट है, मिराबिलिस जलापा या गुल अब्बास या फोर ओक्लोक, क्योंकि आफ्टरनून 4 ओक्लोक, 4 बजे के तकरीबन इसमें पुष्प खिलते हैं, इस कारण इसे हम फोर ओक्लोक के नाम से भी जानते हैं। इसके साथ साथ स्नेप ड्रैगन, जिसे हमें एंटी राइनम के नाम से भी जानते हैं, इसमें भी अपूर्ण प्रभाविता पाई जाती है। तो अपने को नाम याद रखनी है, मिराबिलिस जलापा, फोर ओक्लोक, स्नैपड्रैगन या एंटी राइनम के अंदर इनकम्प्लीट डोमिनेंस पाई जाती है। तो इन दो पादपों के अपने को नाम याद रखनी है, मिराबिलिस जलापा और स्नैपड्रैगन। तो देखिए अपूर्ण प्रभाविता, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि अपूर्ण प्रभाविता, अर्थात यहां पूरी तरह से प्रभाविता का नियम लागू नहीं होता। तो वो किस प्रकार से लागू नहीं होता? देखिए हम लेते हैं मिराबिलिस जलापा या स्नेप ड्रैगन के लाल पुष्प वाले पादप और सफेद पुष्प वाले पादप, सफेद पुष्प वाले पादप।
तो देखिए, अगर इन पादपों में क्रॉस करवाया जाए तो क्रॉस करवाने के परिणाम स्वरूप F1 जनरेशन अपने को जो प्राप्त होगी वो मेंडल के नियमानुसार किस प्रकार की प्राप्त होनी चाहिए? प्रभावी लक्षण प्रकट होना चाहिए। लेकिन यहां प्रभावी लक्षण प्रकट न होकर न तो प्रभावी लक्षण प्रकट होता और न ही अप्रभावी लक्षण प्रकट होता, अर्थात प्रभावी लक्षण पूरी तरह से अपना प्रभाव नहीं दिखा पाता। और यहां जो पादप प्राप्त होते हैं उनमें पुष्पों का रंग गुलाबी होता है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ प्रभाविता के नियम का पालन नहीं हो रहा, इसलिए इसे हम अपूर्ण प्रभाविता के नाम से जानते हैं। अर्थात यहाँ दो लक्षणों के अलावा कोई तीसरा लक्षण ही प्रकट हो रहा है। अगर अपने F1 जनरेशन के पादपों के मध्य स्वयं परागण करवाएं तो F2 PD प्राप्त होती है। तो देखिए, चेकरबोर्ड विधि के द्वारा अगर आपने स्वयं परागण की क्रिया कराएं तो इस स्व परागण के दौरान अपने एक तरफ क्या लेंगे, मेल गेमेट, और दूसरी तरफ फीमेल गेमेट लेंगे, कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, और फिर स्मॉल आर। अर्थात यहाँ जीनोटाइप रेटियो के हिसाब से तीन प्रकार के पादपों का निर्माण हो रहा है। लेकिन अगर आपने इनके लक्षण देखे तो कैपिटल आर अनुपात कैपिटल आर अनुपात स्मॉल आर, ये एक पादप है, ये दो पादप है और ये एक पादप है। यहाँ ये जो पादप है ये लाल रंग के पुष्पों वाला होगा, ये पादप है गुलाबी रंग के पुष्पों वाला होगा, और तीसरा जो पादप है वो सफेद रंग के पुष्पों वाला होगा। अर्थात यहाँ लाल गुलाबी और सफेद तीनों का अनुपात 1:2:1 होगा, या हम यूं कह सकते हैं कि यहाँ दिखाई देने वाले जो लक्षण है उसे हम क्या नाम देते हैं, फिनोटाइप के नाम से जानते हैं। तो यहाँ लक्षण पर रूप अनुपात या फिनोटाइप रेटियो कितना आ रहा है, 1:2:1। और इसी प्रकार जीनोटाइप रेटियो जो आनुवंशिक लक्षणों पर आधारित है वो भी अपना कितना आ रहा है, 1:2:1 आ रहा है। अर्थात मेंडल के नियमों का यहाँ F2 जनरेशन में भी पालन नहीं हो रहा, क्योंकि हमने प्रभाविता के नियम के अनुसार ये देखा कि यहाँ जो लक्षण पर रूप अनुपात एक संकर संकरण का अपना था वो था 3:1, जबकि यहाँ लक्षण पर रूप अनुपात कितना आ रहा है, 1:2:1 आ रहा है। तो यहाँ लक्षण पर रूप अनुपात और जीन पर रूप अनुपात एक समान आ रहे हैं, जो कि मेंडल के नियमों के विचलन को दर्शाता है। अगर अपने अपूर्ण प्रभाविता के एक और उदाहरण की बात करें तो मुर्गी की एक प्रजाति होती है एंडालूसियन मुर्गा। इस एंडालूसियन मुर्गे के अंदर यदि काले रंग के पंखों वाले तथा सफेद रंग के पंखों वाले मुर्गे के मध्य क्रॉस करवाया जाए तो यहाँ F1 जनरेशन के अंदर नीले रंग के पंखों वाले मुर्गे की प्रजाति प्राप्त होती है। ये भी किसका एग्जाम्पल है, अपूर्ण प्रभाविता का उदाहरण है। तो परिभाषित रूप में अपने ये कह सकते हैं कि जब प्रभावी तथा अप्रभावी लक्षण के अतिरिक्त कोई तीसरा लक्षण प्रकट हो तो इस घटना को अपने अपूर्ण प्रभाविता के नाम से जानते हैं। या हम यूं कहें कि न तो पूरी तरह से प्रभावी लक्षण प्रकट हो रहा है, न ही पूरी तरह से अप्रभावी लक्षण प्रकट हो रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, कंप्लीट डोमिनेंस या अपूर्ण प्रभाविता के नाम से जानते हैं। अगला अपना जो विचलन है वो है सह प्रभाविता, या इसे हम कहते हैं को डोमिनेंस। तो देखिए, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, सह का अर्थ होता है साथ साथ, प्रभाविता का अर्थ होता है प्रकट होना। अर्थात यदि प्रभावी और अप्रभावी लक्षण एक साथ प्रकट हो तो इसे हमें सह प्रभाविता के नाम से जानते हैं। जैसे मवेशियों में त्वचा के रंग की वंशागति, अर्थात जब हम लाल रंग की त्वचा वाली मवेशियों का संकरण सफेद रंग की त्वचा वाले मवेशियों के साथ करवाते हैं तो F1 PD के दौरान चितकबरे
रंग की त्वचा वाली मवेशी प्राप्त होती है, अर्थात यहां जो त्वचा का चितकबरा रंग प्राप्त होता है वो प्रभावी और अप्रभावी लक्षणों का मिश्रित रूप है, अर्थात इस दौरान प्रभावी लक्षण लाल रंग भी पूरी तरह से अपना प्रभाव नहीं दिखाता और सफेद रंग भी अपना पूरा प्रभाव नहीं दिखाता, और दोनों प्रभावी और अप्रभावी लक्षण F1 जनरेशन के अंदर एक साथ प्रकट होते हैं। तो प्रभावी और अप्रभावी लक्षणों का F1 पीढ़ी के दौरान एक साथ प्रकट होना क्या कहलाता है? सहप्रभाविता कहलाता है। देखिए यहां इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस में डिफरेंस समझ लीजिए आप। अपूर्ण प्रभाविता के दौरान कोई तीसरा ही लक्षण प्रकट होता है, न तो प्रभावी लक्षण पूरी तरह से प्रकट होता है और न ही अप्रभावी लक्षण, जबकि सहप्रभाविता के अंतर्गत प्रभावी और अप्रभावी दोनों लक्षण एक साथ अपनी वंशानुगति दर्शाते हैं। अगर F1 पीढ़ी के इन जीवों के मध्य स्वयं निषेचन की क्रिया करवाई जाए तो F2 पीढ़ी के जो परिणाम होंगे वो परिणाम भी मेंडल के नियमों के अनुसार प्राप्त नहीं होते, अर्थात मेंडल के नियमों के अनुसार यहां जो अनुपात प्राप्त होना चाहिए वो लक्षण प्ररूप अनुपात 3:1 होना चाहिए, लेकिन यहां जो अनुपात प्राप्त होता है वो लाल त्वचा की मवेशी अनुपात चितकबरे रंग वाली त्वचा की मवेशी अनुपात सफेद रंग वाले त्वचा की मवेशी, तो इनका जो अनुपात प्राप्त होता है वो 1:2:1 प्राप्त होता है, अर्थात हम पुनः कह सकते हैं कि यहाँ जो लक्षण प्ररूप अनुपात है वो 1:2:1 है तथा जो जीन प्ररूप अनुपात है वो भी 1:2:1 है, अर्थात लक्षण प्ररूप और जीन प्ररूप अनुपात जो होते हैं वो एक समान प्राप्त होते हैं। तो इसे हम क्या कह देंगे? सहप्रभाविता के नाम से जान। सहप्रभाविता का अगला जो अपना एग्जाम्पल है वो है मनुष्य में रक्त समूह की वसागति। तो यहां देखिए ध्यान देना, मनुष्य में जो ब्लड ग्रुप की जो वसागति है वो अपने बहुयुग्म विकल्पी का भी उदाहरण है, बहुयुग्म विकल्पी। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बहुयुग्म विकल्पी वंशागति का उदाहरण है मनुष्य में रक्त समूह की वंशागति या सहप्रभाविता का उदाहरण है। तो इसके लिए स्पेशली अगर पूछ लिया जाए तो ब्लड ग्रुप अगर दिया हुआ हो तो AB रक्त समूह की वंशागति किसका उदाहरण है? सहप्रभाविता का उदाहरण है। तो इसको अपने समझते हैं कि ये किस प्रकार से बहुयुग्म विकल्पी या फिर सहप्रभाविता के उदाहरण है। तो देखिए मनुष्य में चार प्रकार के ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं, AB तथा O प्रकार के। अब प्रत्येक जो ब्लड ग्रुप होता है वो दो कारकों के द्वारा नियंत्रित होता है जिन्हें हम IA कारक और IB कारक के नाम से जानते हैं। IA कारक और IB कारक, और ये दोनों कारक क्या होते हैं? प्रभावी होते हैं। किस पर? INOT पर। तो जहां कहीं भी अपने को IA और IB दिखाई देगा ब्लड ग्रुप पे वही आएगा। तो देखिए ए ब्लड ग्रुप का नियंत्रण दो प्रकार के युग्म विकल्पी के द्वारा किया जा सकता है। पहला युग्म विकल्पी हो सकता है IA INOT, इस स्थिति को कहते हैं विषम युग्मजी स्थिति। विषम युग्मजी क्योंकि भाग लेने वाले एलील के दोनों कारक क्या है? अलग अलग है। देखिए दूसरी स्थिति यहां हो सकती है IA, अर्थात युग्म विकल्पी के दोनों कारक क्या हो? एक दूसरे के समान हो, और इस स्थिति को क्या कहेंगे? समयुग्मजी स्थिति के नाम से जानते हैं। ठीक इसी प्रकार B के अंदर भी दो स्थितियां होगी। विषम युग्मजी स्थिति में दोनों कारक एक दूसरे से अलग होंगे और समयुग्मजी स्थिति में दोनों कारक एक दूसरे के समान होंगे। देखिए AB, मैंने आपको बताया कि AB क्या है? रक्त समूह की वसागति सहप्रभाविता का उदाहरण है। तो यहाँ IA और IB दोनों कारक जब युग्म विकल्पी में एक साथ उपस्थित होते हैं तो संतति में AB ब्लड ग्रुप का निर्माण होता है। तो यहाँ IA और IA की स्थिति होती है, और O में INOT INOT दोनों कारक क्या होंगे? अप्रभावी होंगे।
तो यहां देखिए ये बहु युग्म विकल्पी की स्थिति किस प्रकार से है। ब्लड ग्रुप अपने यहां कितने हैं, चार प्रकार के हैं, और इन चार प्रकार के ब्लड ग्रुप का निर्धारण करने के लिए कितने प्रकार के युग्म विकल्पी या एलील अपने उपस्थित हैं। तो देखिए यहां चार प्रकार के ब्लड ग्रुप का निर्धारण छह प्रकार के एलील के द्वारा किया जा रहा है, इस कारण इसे बहु युग्म विकल्पी या मल्टीपल एलील वसा गति के नाम से जानते हैं। अब देखिए अपने बात करते हैं कि एबी रक्त समूह की वसा गति मनुष्य में सह प्रभाविता को किस प्रकार से दर्शाती है। तो अपने मान लेते हैं कि पिता का ब्लड ग्रुप क्या है, ए, और माता का ब्लड ग्रुप क्या है, बी है। तो इस स्थिति में दो प्रकार की संभावनाएं हो सकती है। पिता का ब्लड ग्रुप यदि समयुग्मजी स्थिति में है तो क्या होगा, IA होगा, और माता का ब्लड ग्रुप समयुग्मजी स्थिति में होने पे क्या होगा, IB और IB होगा। इस दौरान उत्पन्न संतति के अंदर जो एलील होगा उसमें दोनों कारक अर्थात IA और IB उपस्थित होंगे। इस स्थिति में जो संतानें होगी उन संतानों में कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, मैंने आपको बताया कि ए और बी दोनों क्या है, यहां प्रभावी है, तो ये दोनों अपना प्रभाव दिखाएंगे। तो जो संतति के अंदर ब्लड ग्रुप होगा वो क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। तो ये ए बी ब्लड ग्रुप का जो निर्धारण है वो ए और बी दोनों कारकों के द्वारा किया जा रहा है। तो ये किसका एग्जाम्पल है, अपने सह प्रभाविता का उदाहरण है। देखिए मेंडल के नियमों का अगला जो अपना विचलन है वो है सहलग्नता, जिसे हम लिंकेज के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले तो समझिए सहलग्नता कहते किसे, एक ही गुणसूत्र पर नजदीक स्थित जीनों का एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में बिना परिवर्तन के स्थानांतरण क्या कहलाता है, सहलग्नता कहलाता है। देखिए हमने पढ़ा कि अर्धसूत्री विभाजन की प्रोफेज प्रथम की पेकाइटिन उपरावस्था के दौरान दो समजात गुणसूत्रों के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच जीनों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। यदि इस जीनों के आदान प्रदान की क्रिया के दौरान एक गुणसूत्र पर दो पास पास के जीनों का बिना जीन विनिमय के, बिना जीन आदान प्रदान के अगली जनरेशन के अंदर संतति में बिना परिवर्तन के ज्यों के त्यों स्थानांतरण हो जाए, तो इस घटना को अपने क्या कहते हैं, सहलग्नता कहते हैं। तो ध्यान रखना कि सहलग्नता जीनों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है, अर्थात सहलग्नता होती है वो जीनों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। जीनों के बीच दूरी बढ़ाएंगे तो सहलग्नता का मान कम हो जाएगा, और जीनों के बीच दूरी जितनी कम होगी सहलग्नता का मान उतना ही अधिक होगा। तो जीनों का बिना परिवर्तन के ज्यों का त्यों स्थानांतरण क्या कहलाता है, सहलग्नता कहलाता है। तो ये दो प्रकार की होती है, पूर्ण सहलग्नता और अपूर्ण सहलग्नता। यदि जीवों की कई पीढ़ियों में बिना जीन स्थानांतरण के सहलग्नता के लक्षण जारी रहे तो इसे हम पूर्ण सहलग्नता के नाम से जानते हैं, जो कि नर ड्रोसोफिला और मादा रेशम कीट के अंदर पाई जाती है। परंतु यदि एक दो पीढ़ी में इस प्रकार से सहलग्न जीनों के स्थानांतरण के पश्चात उनमें जीनों का आदान प्रदान हो जाए, जीन विनिमय हो जाए, तो इसे हम अपूर्ण सहलग्नता के नाम से जानते हैं, जो कि मादा ड्रोसोफिला के अंदर मुख्य रूप से पाई जाती है। तो देखिए सहलग्नता का सर्वप्रथम अध्ययन मिठी मटर लेथाइरस ओडोरेट्स के अंदर बेटसन और पुनेट ने किया। इन्होंने ये देखा कि जो मिठी मटर है, इस मटर के नीले पुष्प और लंबे परागकण वाली संतति का लाल पुष्प व गोल परागकण वाली संतति से संकरण करवाए तो F1 जनरेशन के अंदर नीले पुष्प और लंबे परागकण वाली संतति प्राप्त होती है। परंतु यदि इस F1 पीढ़ी संतति के जीवों का, देखिए यहां समयुग्मजी अप्रभावी जनक है, तो इसे हम क्या कह देंगे, टेस्ट क्रॉस के नाम से जानते हैं, क्योंकि F1 संतति का किसी भी समयुग्मजी अप्रभावी जनक के साथ करवाया गया क्रॉस, हमने क्या कहा था, इसे टेस्ट क्रॉस कहा था। तो टेस्ट क्रॉस के दौरान अपने को अनुपात कितना प्राप्त होना चाहिए, 1:1:1:1 प्राप्त होना चाहिए, जो कि 7:1:1:7 प्राप्त होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि यहाँ जो लक्षणों का स्वतंत्र अपव्यूहन नहीं हो रहा, जो कि किसका एग्जाम्पल है, सहलग्नता का उदाहरण है,
अर्थात ये स्वतंत्र अपव्यय नियम का क्या हो गया, अपवाद हो गया। देखिए जंतुओं में सहलग्नता की खोज का श्रेय मोर्गन को दिया जाता है जिन्होंने ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्ट्रो के अंदर फलमक्खी के अंदर सहलग्नता की खोज की। इन्होंने धूसर शरीर और लंबे पंख वाली फलमक्खी का क्रॉस काले शरीर और अवशेषी पंखों वाली फलमक्खी से करवाया, तो F1 संतति के अंदर इसको धूसर शरीर और लंबे पंख वाली फलमक्खी प्राप्त हुई। अगर इसका क्रॉस से अप्रभावी समयुग्मकी नर के साथ करवाया जाए, अर्थात टेस्ट को क्रॉस करवाया जाए, तो अपने को 4 प्रकार की संतति 1:1:1 में प्राप्त होनी चाहिए, लेकिन यहाँ 2 ही प्रकार की संततियां प्राप्त होती है, अर्थात यहाँ पर भी स्वतंत्र अपव्यय नियम का पालन नहीं हो रहा। तो इसे हम क्या कह देंगे, सहलग्नता के नाम से जानते हैं, जिसके दौरान स्वतंत्र अपव्यय नियम का पालन नहीं होता। तो ये मेंडल के नियमों का विचलन है, अपवाद है। अगर बात करें मनुष्य में लिंग सहलग्न वंशानुगति से उत्पन्न रोग की, तो वर्णांधता, हिमोफीलिया, गंजापन और मायोपिया, ये सारे रोग किसके एग्जाम्पल है, लिंग सहलग्न वंशागति के उदाहरण है। लिंग सहलग्न वंशागति के उदाहरण है, अर्थात यहाँ लिंग सहलग्नता का पालन हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि सहलग्नता मेंडल के नियम का क्या है, अपवाद है। देखिए अगला जो विचलन है अपना वो है पेलियोट्रोपी या बहुप्रभाविता के नाम से इसे जानते हैं। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, बहुप्रभाविता अर्थात कुछ जीन ऐसे होते हैं जो बहुत सारे लक्षणों पर अपना प्रभाव दिखाते हैं, इसे हम क्या कह देंगे, बहुप्रभाविता कह देंगे। कुछ जीनों का एक से अधिक लक्षणों पर अपना प्रभाव दर्शाना क्या कहलाता है, बहुप्रभाविता कहलाता है। जैसे ड्रोसोफिला फलमक्खी के अंदर सफेद आंख के लिए जो उत्तरदायी अप्रभावी जीन होता है, यदि समयुग्मजी स्थिति में उपस्थित हो, तो वो यहाँ आंख के रंग के साथ साथ पंखों की आकृति तथा उदर की आकृति को भी नियंत्रित करता है, अर्थात एक ही जीन यहाँ समयुग्मजी स्थिति में होने पर 3 प्रकार के लक्षणों, सफेद आंख के लक्षण और अवशेषी पंख की आकृति और कुंडलित उदर की आकृति का नियंत्रण करता है। इस प्रकार एक ही जीन के द्वारा कई सारे लक्षणों का नियंत्रण क्या कहलाता है, बहुप्रभाविता कहलाता है। फिर बहुजीनी वंशागति या पॉलीजिन्स वंशागति, तो बहुत सारे लक्षणों का अलग अलग प्रकार के जीनों के द्वारा नियंत्रण करना क्या कहलाता है, बहुजीनी वंशागति कहलाता है। जैसे मक्का या गेहूं में दाने का रंग अनेक जीनों के द्वारा नियंत्रित होता है, मनुष्य में त्वचा का रंग भी कई सारे जीनों के द्वारा नियंत्रित होता है, अर्थात दोनों में अंतर समझिए, यहाँ पे कुछ जीनों का एक से अधिक लक्षणों पर नियंत्रण बहुप्रभाविता कहलाता है, जबकि अनेक जीनों का अनेक लक्षणों पर, अलग अलग लक्षणों पर नियंत्रण बहुजीनी वंशागति कहलाता है। कई जीनों के संयुक्त प्रभाव से लक्षणों का प्रकट होना क्या कहलाता है, पॉलीजिन्स वंशागति कहलाता है। तो मनुष्य में त्वचा का रंग और गेहूं में दाने का रंग बहुजीनी वंशागति का उदाहरण है। ठीक इसी प्रकार घातक जीन या लेथल जीन वो जीन होते हैं जो समयुग्मजी स्थिति में उत्पन्न होने पर जीव की मृत्यु कर देते हैं। जैसे चूहे के अंदर पीली त्वचा के लिए उत्तरदायी एक जीन पाया जाता है, अगर वो जीन पीली त्वचा के लिए उत्तरदायी जीन समयुग्मजी स्थिति में उपस्थित हो, तो चूहे की मृत्यु हो जाती है। इस कारण इन्हें हम लेथल जीन या घातक जीन के नाम से जानते हैं, अर्थात इन जीनों की समयुग्मजी स्थिति में उपस्थिति जीव की मृत्यु का कारण बनती है। अगला जो विचलन है बहुयुग्म विकल्पी वंशागति, जिसका अध्ययन हमने कर लिया, मनुष्य में एबीओ रक्त समूह की वंशागति किसका उदाहरण है, बहुयुग्म विकल्पी वंशागति का उदाहरण है। तो विद्यार्थियों ये थे अपने मेंडल के नियमों के प्रमुख विचलन, जिसके अंतर्गत अपने अपूर्ण प्रभाविता, सह प्रभाविता, सहलग्नता, बहुप्रभाविता, बहुजीन वंशागति, घातक जीन के प्रभाव, बहुयुग्म विकल्पी वंशागति शामिल है। तो मेंडल के नियमों के विचलन को आपको अच्छी तरह से एग्जाम्पल के रूप में याद रखना है। जैसे अपूर्ण प्रभाविता किसमें पाई जाती है, मिराबिलिस जलापा के अंदर। सह प्रभाविता किसमें पाई जाती है, मनुष्य में एबी रक्त समूह की वंशागति और मवेशियों में त्वचा का रंग। बहुप्रभाविता पेलियोट्रोपी किसमें पाई जाती है, ड्रोसोफिला के अंदर।
सहल घनता किसमें पाई जाती है? ड्रोसोफिला के अंदर। बहुजीन वसागति किसमें पाई जाती है? मनुष्य में, त्वचा के रंग के अंदर, मक्का या गेहूं के दाने के रंग के दौरान। और घातक जीन चूहे के अंदर पीले रंग की त्वचा के लिए उत्तरदायी जीन जीन संयुग्मजी स्थिति में जीव की मृत्यु का कारण बनता है। और बहुयुग्म विकल्पी वसागति मनुष्य में एबीओ ब्लड ग्रुप की वसागति का उदाहरण है। तो ये थे अपने मेंडल के नियमों के प्रमुख विचलन। धन्यवाद।